देख रहे हैं दखल न्यूज। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिल लाते वक्त मेरे मन में कुछ आशंकाएं थी क्योंकि राज्यसभा में पार्टी बहुमत में नहीं है, इसी वजह से इस बिल को हमने पहले राज्यसभा में पेश किया। शाह चेन्नई में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू की जिंदगी पर एक किताब का विमोचन करने के लिए एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि धारा 370 कश्मीर को भारत से जोड़ती नहीं बल्कि जोड़ने से रोकती थी। जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की, उसने धारा 370 से इस देश को मुक्ति दिलाई है। वेंकैया जी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे और 370 के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। वेंकैया जी भी आंदोलन के हिस्से थे। एक कम्युनिस्ट प्रोफेसर ने पूछा कि आपने कश्मीर कभी देखा है क्या? कश्मीर नहीं देखा है तो आप कश्मीर के लिए क्यों आंदोलन करते हो? वेंकैया जी ने फट से जवाब दिया, एक आंख को दूसरी आंख दिखाई नहीं देती, एक आंख में दर्द होता है तो दूसरी आंख को भी तुरंत महसूस होता है। ये देश के साथ बचपन से जुड़ाव, वो ही उनको यहां तक पहुंचाने में सफल हुआ। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर का मसला राजनीतिक नहीं है, यह कानूनी विषय है। भारत के संविधान में बहुत साफ है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा, अब कश्मीर का तेजी से विकास होगा और वहां के लोगों को लगेगा कि अब तक उनके साथ नाइंसाफी होती रही है। कश्मीर मुद्दे पर इस समय अधिकांश लोग कांग्रेस की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। दोनों तरफ से कश्मीर पर बयानबाजी जारी है। ऐसे में अब शिवराज सिंह ने पंडित नेहरू को अपराधी करार दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब भारतीय सेना कश्मीर से पाकिस्तानी कबीलाइयों का पीछा कर रही थी तो जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। कश्मीर के एक तिहाई हिस्से पर पाक का कब्जा है। अगर कुछ और दिनों के लिए युद्ध विराम नहीं होता तो पूरा कश्मीर हमारा होता। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपराधी हैं, एक तो युद्ध विराम के दोषी हैं। जब भारत की फौजें जम्मू कश्मीर से पाकिस्तानी कबाइलियों को खदेड़ रही थी तब उनने युद्ध विराम कर दिया। एक तिहाई हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान के पास रह गया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। अगर और कुछ दिन युद्ध विराम नहीं होता तो सारा का सारा कश्मीर हमारा होता। और दूसरा अपराध उन्होंने किया, धारा 370 लगा के एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान, ये सचमुच में देश के साथ अन्यायी अपराध था। और पहले दिन से जनसंघ की स्थापना के हम धारा 370 हटाने की बात कर रहे थे और अब धारा 370 हटी है, लेकिन ये अपराध पंडित नेहरू जी से हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जवाहरलाल नेहरू का दूसरा अपराध 370 है। उन्होंने कहा कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान, यह एक देश के साथ अन्याय नहीं बल्कि उसके खिलाफ अपराध है। शिवराज के इस बयान के बाद कांग्रेस ने शिवराज सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने सीहोर में कहा कि नेहरू जी के पैर की धूल भी नहीं है शिवराज सिंह चौहान, उनको शर्म आनी चाहिए। नेहरू जी के पैरों की धूल भी नहीं है शिवराज, क्या बात, शर्म आनी चाहिए उनको। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया का नाम तय हुआ और उन्हें एक बार फिर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। पूरी कांग्रेस ने एक बार फिर गांधी परिवार के सदस्य को अपना अध्यक्ष चुना। शनिवार को हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद पार्टी ने ऐलान किया कि राहुल गांधी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और अगले अध्यक्ष के चुनाव तक सोनिया गांधी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। अब अखिल भारतीय कमेटी का सत्र बुलाया जाएगा और नए अध्यक्ष का चयन होगा। अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक की तारीख तय नहीं है। सोनिया गांधी सबसे लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रही हैं। इज द न्यू कांग्रेस प्रेसिडेंट। इज द न्यू कांग्रेस प्रेसिडेंट। इज द न्यू कांग्रेस प्रेसिडेंट। बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर रैना का हॉस्पिटल का फोटो पोस्ट करते हुए रैना की सर्जरी की जानकारी दी। बीसीसीआई ने बताया कि रैना को पिछले कुछ महीने से घुटने में परेशानी हो रही थी, इसके चलते उनकी सर्जरी की गई। सर्जरी सफल हुई और रैना को रिकवरी के 4 से 6 हफ्ते रिहैबिलिटेशन से गुजरना होगा। बोर्ड उनके जल्दी फिट होने की कामना करता है। 32 वर्षीय रैना ने 30 जुलाई 2005 को दाम्बुला में श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैच से
इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी। रैना ने अपना अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच लीडर्स में 17 जुलाई 2018 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। उन्होंने 18 टेस्ट मैचों में 53.14 की औसत से 768 रन बनाए। वे 226 इंटरनेशनल वनडे मैचों में 35.31 की औसत से 5615 रन और 78 टी20 मैचों में 29.18 की औसत से 1605 रन बना चुके हैं। रैना इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 62 विकेट ले चुके हैं। सिंधिया ने ट्वीट कर जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A को हटाने पर केंद्र सरकार का समर्थन किया था। इस पर पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने सिंधिया को बीजेपी में आने का तंज भरा न्योता दिया है। कहा है, कांग्रेस को ठोकर मारे सिंधिया, हम करेंगे स्वागत। सिंधिया का ट्वीट सभी को हैरान कर देने वाला था। पवैया ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के धारा 370 के खिलाफ केंद्र सरकार के समर्थन के ट्वीट पर लोग हैरान हैं। उन्होंने कहा कि सिंधिया जब सांसद थे और तब से अब तक हैरानी की बात यह है कि सिंधिया के बयानों में भारी फर्क आया है। जो आदमी राहुल के साथ संसद में टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करता था, अचानक 370 के खिलाफ ट्वीट हैरान करने वाला है। पवैया इतने में शांत नहीं हुए, आगे कहा कि सिंधिया जनता के सामने साफ करे कि क्या आप अब भी कांग्रेस में ही हो। अगर आप कांग्रेस में ही हो तो कांग्रेस ने 370 हटाने का विरोध क्यों नहीं किया? आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? सिंधिया अपना स्टैंड क्लियर करे। पवैया ने कहा कि सिंधिया सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं, कई जमीनों के पट्टे कराने हैं तो कई जमीनों की जांच की फाइल बंद करानी है, इसीलिए मध्य प्रदेश में कांग्रेसी बने रहना चाहते हैं तो वहीं मोदी की सुनामी से बचने और अपना भविष्य सुरक्षित रखने के लिए सिंधिया मोदी जी के सुर में सुर मिलाते हैं। पवैया ने आरोप लगाया कि इतिहास बताता है जब कांग्रेस की दुर्गति हुई तो सिंधिया के पूर्वजों ने कांग्रेस को पीठ दिखाई थी। एमपी में कमलनाथ सरकार के नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हर्ष यादव सागर विधानसभा सीट पर 6 चुनावों और नगर निगम में लगातार मिल रही कांग्रेस पार्टी की हार से परेशान नजर आए। हर्ष यादव ने सागर के पार्टी कार्यालय पहुंचकर और सदस्यता अभियान पर चर्चा की। इस दौरान मंत्री हर्ष यादव का दर्द सामने आया। उन्होंने कहा कि सागर में पहले कांग्रेस जीतती रही है, महापौर भी रहा है, लोग हमारे साथ बैठते हैं तो साथ फूल कर देते हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारा नुकसान हुआ है। आस्तीन के सांप को हम पालते रहे हैं, इनको चिन्हित कर उनको एक्सपोज करना होगा और पार्टी को मजबूत बनाना होगा। हम लोग सब खा लेंगे तो लक्ष्य कहीं दूर नहीं है। पहले भी हमारा नगर निगम पे कब्जा रहा है, शहर से हमारा विधायक रहा करता था, हमें कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की वजह से नुकसान भोगना पड़ा है। जो बैठते तो हमारे साथ है, फूल को मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है, आस्तीन के साथ। मध्य प्रदेश में बिजली वितरण करने वाली सभी कंपनियों के आउटसोर्स पर लगे कर्मचारी रविवार सुबह भोपाल के चिनार पार्क में जमा हुए और प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में वचन दिया था कि उन्हें नियमित किया जाएगा। वे यहां मुख्यमंत्री कमलनाथ को उनका वादा याद दिलाने के लिए आए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी बस एक ही मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए। आउटसोर्स पर रखे गए लोगों का कहना है कि हमें कहा जा रहा है कि आप नई नौकरी ढूंढ लें, इसके बाद जब भोपाल में इन परेशान कर्मचारियों की किसी ने सुध नहीं ली तो मजबूरन उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। इन कर्मचारियों को उम्मीद थी कि ऊर्जा मंत्री या कोई बड़ा अधिकारी इनकी समस्याओं को सुनने तवज्जो देना शुरू करेगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बाद में इन कर्मचारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, जिसके बाद ये पीड़ित कर्मचारी इधर उधर हुए। पुलिस के लाठीचार्ज और भगदड़ में कुछ लोगों को चोट भी लगी है। पूरे मध्य प्रदेश में एक ऐतिहासिक मांग है, कर्मचारी एक रुपया आउटसोर्स ठेका कर्मचारी नहीं मांग रहा, सिर्फ आउटसोर्स ठेका कर्मचारी ये मांग रहा है कि उसको वर्तमान में जो वेतन ठेकेदारों के माध्यम से दिया जाता है उसमें उसका वेतन हड़पा जा रहा है। सरकार ये वेतन सीधे बिजली कंपनियों से प्रदान करते हुए उनके नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त करे, क्योंकि उन्होंने वचन पत्र में बिंदु क्रमांक 13-16-11 में कांग्रेस ने वचन पत्र में कहा है कि अब बिजली कंपनियों के रिक्त पद बनेंगे। हम चाहते हैं ये रिक्त पद आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों के माध्यम से बने जाए।
भोपाल नगर निगम ने सार्वजनिक स्थानों पर गंदा करने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। भोपाल को गंदा करना अब आपको महंगा पड़ सकता है। पान गुटखा खाकर सार्वजनिक स्थल पर थूकने और गंदा करने वालों की अब खैर नहीं। निगम कर्मियों ने लोगों से पान गुटखा थूकने पर उठक बैठक लगवाना शुरू कर दिया है। शहर के 85 वार्डों में सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी करने वालों पर निगम के स्वास्थ्य अमले ने लोगों पर स्पॉट फाइन लगाया। खुले में लघु शंका करने पर रोक लगाई गई और अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उस पर स्पॉट फाइन लगाया जा रहा है। नगर निगम और महापौर आलोक शर्मा की इस पहल की लोगों ने तारीफ की है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के विधायक अमित जोगी ने बस्तर में पासपोर्ट ऑफिस खोलने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को ट्वीट किया था, जिस पर त्वरित कार्रवाई करवाने और जल्द ही सुविधा देने की बात पर विधायक अमित जोगी ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का उनका आभार माना है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद अमित जोगी के पिता अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी बस्तर को पासपोर्ट कार्यालय की जरूरत थी। भोपाल स्थित कौटिल्य एकेडमी में करियर सेमिनार का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर IRS लोकेश कुमार लल्लारे ने सिविल सर्विसेज की तैयारी के बारे में छात्रों से बात की। लोकेश कुमार ने छात्रों को तैयारी के लिए स्मार्ट स्टडी और कड़ी मेहनत करने की सलाह दी। लल्लारे ने बताया कि सिविल सर्विसेज में रैंक लाने के लिए समय का सही उपयोग के साथ साथ किताबों का चयन जरूरी है। तैयारी की सबसे पहले की कड़ी किसी भी परीक्षा का सिलेबस होता है। लोकेश लल्लारे ने छात्रों से सवाल के जवाब भी दिए। इनके बारे में मुझे जानकारी, नागपुर के पास के रहने वाले हैं, वहाँ निःशुल्क क्लासेस लगाते हैं और जो बच्चों के लिए इस प्रकार के सोशल इश्यूज पे काम करता है वहाँ पे मैं पूरा समय देता हूँ। 2006 बैच का मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस से हूँ और इस समय दिल्ली में हूँ या मैं बालाघाट का रहने वाला हूँ बेसिकली, और पोस्टिंग मेरी भोपाल में है। तो इंदौर, दिल्ली, भोपाल और बालाघाट में बच्चों से मिलता रहता हूँ लगातार, विशेषकर सिविल सर्विस के संबंध में। कुछ मेरे YouTube पे वीडियोस भी आते हैं इस संदर्भ में कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, व्यक्ति कहाँ गलती करता है और कहाँ कहाँ ध्यान देना होता है। कौटिल्य एकेडमी भोपाल और छिंदवाड़ा के डायरेक्टर राहुल रंगारे ने बताया कि विगत दिनों कौटिल्य एकेडमी ने मेगा स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन किया था, जिसका रिजल्ट घोषित किया गया है। लगभग 120 बच्चों को 100% तक स्कॉलरशिप दी जा रही है। रंगारे ने बताया कि जिन छात्रों में काबिलियत है उनको स्कॉलरशिप देकर तैयारी की सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। आयोजन में 12वीं के बाद सिविल सर्विसेज में तैयारी की रणनीति पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने विषय का चुनाव एवं परीक्षाओं की जटिलता के बारे में बताया। इस मौके पर बड़ी संख्या में छात्रों के साथ अभिभावक भी मौजूद रहे। आज यहाँ पे एक हमने स्कॉलरशिप टेस्ट लिया था UPSC एग्ज़ाम के लिए, UPSC की प्रिपरेशन करने के लिए बच्चों का एक टेस्ट लिया था। जिन सैकड़ों बच्चों ने, सैकड़ों स्टूडेंट ने यह टेस्ट दिया और आज उस टेस्ट का रिजल्ट यहाँ आज हम घोषित कर रहे हैं। आज एक सेमिनार के माध्यम से हमारे आज के सेमिनार के मुख्य अतिथि आदरणीय लोकेश लल्लारे जी, जो IRS है, GST डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत है, वह आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित है और वह उन छात्राओं को पुरस्कृत करेंगे जिन छात्राओं ने इस टेस्ट में भाग लिया था और उसमें से कई छात्रों को 100% स्कॉलरशिप भी यहाँ पे मिली है। यह मामला बड़ा ही रोचक है। डॉक्टर नर्सों को बैठा कर मूंगफली खा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक मेरी मूंगफली खत्म नहीं होती कोई यहाँ से जाएगा नहीं। इस मामले में नर्सों की शिकायत के बाद डॉक्टर ने भी नर्सों के विरुद्ध लिखित शिकायत की है। डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि नर्सें जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी नहीं करती हैं। कुछ के विरुद्ध तो नामजद शिकायतें हुई हैं। इस पूरे मामले में 4 अगस्त को कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर GS बघेल ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। मामला छत्तीसगढ़ सरकार के भी संज्ञान में है। अभी लोग का कहना है, आप लोग रिपोर्ट रजिस्टर में लिख देते हो कि हम लोग उपस्थित नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक जांच कमेटी बारी बारी से बयान ले रही है। बीते दिनों से लगातार छुट्टियां होने की वजह से जांच कमेटी की बैठक नहीं हुई। संभव है कि अगले हफ्ते तक जांच पूरी हो जाएगी और इस मूंगफली कांड की सच्चाई भी सबके सामने आ जाएगी।
छतरपुर में सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मामला खजुराहो स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां बीती रात नारायण तिवारी को सीने में दर्द की शिकायत के बाद स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर से मरीज को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की बात कही तो ऑक्सीजन सिलेंडर लाया गया, मगर वो खाली था। दूसरा सिलेंडर चालू ही नहीं हो रहा था, तीसरा ताले में बंद था। जब तक वह सिलेंडर आया तब तक मरीज की जान चली गई। मरीज के साथ हुई लापरवाही के कारण परिजन हंगामा करने लगे और डॉक्टरों पर आरोप लगाया कि यदि तत्काल मरीज को ऑक्सीजन मिल जाती तो शायद मरीज की जान बच जाती। हंगामा होते देख स्वास्थ्य केंद्र में पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और मरीज के परिजनों को समझाया और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही, तब जाकर मामला शांत हुआ। मृतक मरीज के परिजनों ने खजुराहो थाने में लिखित में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। कुछ क्या है का इलाज, कोई ऑक्सीजन ही नहीं लगा पाए समय पे, इलाज की तो कोई बात ही नहीं है, कोई ट्रीटमेंट ही नहीं किया गया उन्होंने। तो एक एस के गुप्ता डॉक्टर साहब थे और बाकी स्टाफ था। यहाँ रात को फोन लगाया गया तो बताते हैं कोई मानसिंह करके है, उन्होंने फोन लगाया पुलिस विभाग ने, उनने बोला कि हम CMO साहब से जब तक परमिशन नहीं लेंगे जब तक हम वाहन को नहीं दे सकते हैं। तो हमने तत्काल रात में ही राजनगर में लगाया फोन, राजनगर का वाहन फिर हमको उपलब्ध हुआ। जल अधिग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद बारगी बांध भी लबालब हो चुका है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा सुरक्षा के लिहाज से अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को नर्मदा तटों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। इसके बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नर्मदा तटों के किनारे सेल्फी ले रहे हैं। सेल्फी लेने में महिलाएं और बच्चे ज्यादा हैं, जो बिना जगह देखे और खतरे का अंदाजा लगाए नदियों के किनारे खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं। बरगी बांध के पास ये तस्वीरें बता रही हैं कि प्रशासन द्वारा दी गई चेतावनी को लोग कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। डैम के सुरक्षा में लगे हुए हैं सुरक्षा कर्मी, वो भी वहाँ तैनात हैं और सभी को बांध किया जा रहा है। कल भी मैंने देखा था पूरी व्यवस्था, आज भी पुनः CSP और बरगी प्रभारी को बताया गया है कि वो जो भी सैलानी वहाँ जा रहे हैं देखने के लिए एहतियातन अपनी सुरक्षा के लिए उनको सजग करें और वहाँ निरंतर पेट्रोलिंग करते हैं। कई बार ऐसे खतरे मोल लेने के दौरान लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं और हर दिन हादसे के संबंध में खबरें आ रही हैं। बहरहाल पुलिस अधिकारियों ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि यदि वे नर्मदा तटों पर घूमते नजर आते हैं तो चेतावनी का ध्यान रखें कि अपनी एवं अपने परिवार की सुरक्षा के मद्देनजर किसी तरह का जोखिम न उठाएं। संत हिरदाराम नगर के समीप हलालपुरा भोपाल इंदौर हाईवे पर अचानक चलती कार में आग लग गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक कार पूरी तरह आग की चपेट में आ चुकी थी। ये हादसा ईसाई कब्रिस्तान हलालपुरा के पास फोर्ड कार में हुआ। कार में तीन लोग सवार थे। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से कार सवारों को सलामत बाहर निकाला जा सका। कार सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होगी। मौके पर बैरागढ़ थाना पुलिस ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। सीहोर जिले के ग्राम भोजनगर की मेघा परमार रूस के पर्वत माउंट एल्ब्रूस पर 8 अगस्त को स्थानीय समय अनुसार सुबह 10:14 पर -18 डिग्री तापमान में पहुंची थी। मेघा भोजनगर गांव के किसान दामोदर परमार व मंजू परमार की बेटी हैं। मेघा ने इसी साल 22 मई को विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। मेघा ने अपना एक्सपीडिशन 5 अगस्त को शुरू किया था। 8 अगस्त को रात 1 बजे निकलकर सुबह 10:14 पर चोटी पर पहुंच का सबमिट किया। मेघा की टीम लीडर भरत गाइड यूरी व सदस्य अरुण आशा महिपाल सतीश और शेखर थे। मेघा को पहला बाल विकास विभाग ने बेटी बचाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। मेरी आन तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, इस गीत के साथ रायपुर में 15 किलोमीटर लंबे तिरंगे की रैली निकाली गई। स्कूली बच्चे और शहरवासी मानव श्रृंखला बनाकर दोनों ओर से तिरंगा झंडे को पकड़कर चल रहे थे। देशभक्ति से ओतप्रोत रायपुर के हजारों स्कूली बच्चों के साथ शहरवासी भी इसमें शामिल हुए। आमापारा से NIT होते हुए साइंस कॉलेज के ग्राउंड से वापस आमापारा तक 15 किलोमीटर लंबा तिरंगा लहराया जा रहा था। इस तिरंगे को 18 कारीगरों ने 15 दिन मेहनत कर तैयार किया। इसे बनाने में 1100 किलो कपड़ा लगा है। इसे वासुदेव कुटुंबकम संस्था की ओर से तैयार करवाया गया है। रैली की शुरुआत से पहले बंगाली समुदाय द्वारा धुनची आरती की गई। तिरंगा रैली की शुरुआत में पुलिस बैंड द्वारा मार्च पास्ट किया गया। 10 दिव्यांग बच्चों ने व्हील चेयर पर मार्च पास्ट किया। 200 स्कूली बच्चों द्वारा विभिन्न झांकियां प्रस्तुत की गई और 51 पंडितों ने मंत्रोच्चार कर रैली की शुरुआत की।
शमा फैंस क्लब ने जेके म्यूजिकल नाइट सिंगम 2 का आयोजन भोपाल स्थित स्टेट म्यूजियम में किया। बॉलीवुड के महान गायकों के गाए दर्द भरे नगमों को सुनकर श्रोता यादों में खो गए। बड़ी संख्या में पहुंचकर श्रोताओं ने इस शानदार संगीत कार्यक्रम की धमाकेदार प्रस्तुतियों का लुफ्त उठाया। कलाकारों ने किशोर रफी समेत कई गायकों के कई रोमांटिक गीतों की प्रस्तुति भी दी, जिस पर श्रोता जमके थिरके। कार्यक्रम का आयोजन नॉन प्रोफेशनल गायकों को मंच देने का उद्देश्य भी था। गायकों ने एकल और ड्यूट सिंगिंग का टैलेंट दिखाया। गायकों ने ड्यूट गीतों को गाकर समा बांध दिया। कार्यक्रम के आयोजक जगदीश रायकवार ने बताया कि यह कार्यक्रम नए गायकों को प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से किया गया है। संगम 2 की सफलता का श्रेय सभी गायकों और क्लब से जुड़े लोगों को जाता है। शमा फैंस क्लब के सौजन से संगम 2, तो इसका उद्देश्य रहा है कि भोपाल में बहुत सारे म्यूजिकल ग्रुप हैं, तो जब मैंने मन में सोचा कि इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए तो मैं इसको उस समय कामयाब रहा। इससे पहले संगम मन में बहुत ग्रुप से लोग आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, अच्छे अच्छे गीत गाए। संगम 2 में भी मेरे को सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। मैं सभी भोपाल के सभी म्यूजिकल ग्रुप का आभारी हूँ कि मुझे सपोर्ट वो कर रहा है और मेरे प्रोग्राम में शिरकत कर रहा है। और मेरे जो ग्रुप का उद्देश्य ये है कि भोपाल में एक से टैलेंटेड लोग हैं जिनको मंच नहीं मिल पाता है, उनके लिए हमने तैयार किया। श्रोताओं ने तुझ संग प्रीत लगाई किसी राह में और इतना तो याद है मुझे गीतों को काफी पसंद किया और गायकों की सराहना भी की। शमा फैंस क्लब के अध्यक्ष इकराम उल हक ने बताया कि कार्यक्रम में पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया गया। इसके साथ ही ट्रैफिक नियम के पालन करने का श्रोताओं से आग्रह भी किया गया। तो ये प्रोग्राम कर रहे हैं संगम 2, तो इनका संगम का मतलब है कि सारे जितने भी म्यूजिशियन हैं यहाँ पे, सिंगर्स हैं जो इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, उनका संगम कराना है और उनको नए प्लेटफॉर्म देना है। ये जेके म्यूजिकल का एक नया, ये कह लो आपके, उसको क्या बोलेंगे, आपके नया एक फार्मूला है जो भोपाल के सिंगरों को सिर्फ एक नया मंच प्रदान करना चाह रहे हैं। जो लोग यहाँ पर हमारे बाहर से सिंगर बुलाते हैं, बाहर से सिंगर बुला के प्रोग्राम्स कराते हैं, तो वो गलत है। जब हमारे ही भोपाल में, हमारे मध्य प्रदेश में एक से एक टैलेंटेड सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, तो क्यों ना उनको लिया जाए, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।
Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं।